माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं निधि आगे भी आप लोगों के साथ आज एक नए वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। बाहर बहुत ठंडी सी हवा चल रही है, देखो विंडोज वगैरह भी बंद हो रही है। एक मिनट तो आउच। हाँ तो मैं ना आज मतलब आगे एक नए से ब्लॉग के साथ सोचा कि चलो आज यहीं से स्टार्टिंग करती हूँ एंड आगे जो भी करना है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑफकोर्स एज ऑलवेज आई डू। तो बज रहे हैं सुबह के कितने बजे मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। सुबह के नहीं, सॉरी आफ्टरनून के 1:00 हो रहे हैं, 1 बज रहे हैं दोपहर के। एंड ऑफकोर्स ये लंच का टाइम होता है। मैं आज मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं स्टार्ट करी, जनरली मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है, बट आज वाला ब्लॉग मैं मॉर्निंग से नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा दोपहर से स्टार्ट करी क्योंकि सुबह में ना अब मेरा रील्स बनाने का मन होता है। तो ना मैंने आज बहुत सारे रील्स बनाए एम एक्स एंड ऑल्सो बहुत स्नैप वीडियोज, तो वो मैंने किया है। एंड देख सकते हो बहुत ही लाइट सा मेकअप थोड़ा थोड़ा सा मैंने कर रखा है, तो वो सब मैं कर रही थी करीब 1 घंटे से मैं वही कर रही थी। तो मैंने सोचा कि अब बस बहुत हो गया, मुझे YouTube के लिए वीडियो बनानी है, आप लोगों के साथ बातें करनी है, तो बस इसी वजह से मैंने उसको स्टॉप किया एंड अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। लंच का टाइम है, मैं चल रही हूँ लंच करने एंड बनाने दोनों ही। एक्चुअली में आटा रखा हुआ है, सुबह में ही मैंने लगा लिया था जब हस्बैंड मतलब जब अभी के लिए ना वो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी लंच, तभी मैंने आटा मशीन में लगा के रख लिया था। तो आटा रखा हुआ है, आलू बॉयल कल रात की मैंने रख ली है, तो मैं चल रही हूँ आलू के पराठे बनाऊंगी एंड गर्मा गर्म अदरक की चाय एंड ऑल्सो थोड़ा सा सॉस वगैरह जो भी लेना होगा लूंगी। चलो बनाती हूँ, दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, चलो दिखाते हैं। सो आ चुकी हूँ मैं किचन में। ऑफकोर्स पता आज ना मैंने पिन भी नहीं लगाई है साड़ी में, आज मैं साड़ी को ऐसे ही मैनेज करने वाली हूँ। कभी कभी ना थोड़ा सा रफ्ती तरीके से भी रहना चाहिए यार, मतलब हमेशा पिन वगैरह सेट वेट करके तो हमेशा ही रहते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना, जिसके के लिए ये देखो आटा लगा हुआ रखा है और अब फटाफट से बना के दिखाते हैं आपको हम। सो ये देखो जो जो चीज़ें मुझे इसमें डालनी थी लाइक अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर एंड हरी धनिया मिर्च, सारी चीज़ों को डाल करके अब ना हम बस इसको कर लेना है हमें अच्छे से मिक्स। एंड मिक्स करने के बाद बस हम फटाफट से स्टफिंग करके पराठे बनाना रेडी करते हैं। सो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए। पता है वैसे ना पराठा जल्दी नहीं बनता है हमारे, मतलब सिर्फ फ्राइडे को मेरा फास्ट होता है तो शाम को हम लोग पूरी सब्जी बनाते हैं, पराठा तो रेयर कंडीशन पे ही बनता है। लाइक अभी मैं अकेले हूँ तो सोचा कि फटाफट से आलू भी बॉयल रखा हुआ था बताया ही, तो बस भर करके इसी तरीके से सिंपल तरीके से मैं स्टफिंग करके मैंने बना लिया है। टन टन। और जब तक ये पराठे बन रहे हैं तब तक आपने अगर रेड कलर की बटन को, सब्सक्राइब वाली बटन को नहीं दबाया है तो उसको फटाफट से दबा दीजिएगा। और हाँ एक काम और करिएगा कि आप लोगों की जो रिक्वेस्टेड वीडियो हुआ करे उसको आप लोग फटाफट से कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो पराठे अब बन जाते हैं, मैं लंच करके फिर मिलती हूँ आपसे। दो पराठे बनाने थे जो कि फटाफट से बन गए, एक बन गया है दूसरा बना रही हूँ, तो बना के लंच करके मिलती हूँ मैं तब तक के लिए। सो गाइस लंच वगैरह करने के बाद मैं हो चुकी हूँ फ्री एंड अभी रेस्ट भी मैंने नहीं किया है। इतना प्यारा सा वेदर हुआ है ना, बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है एंड ऑल्सो बारिश भी हुई है, अभी थोड़ी थोड़ी सी बूंदें गिर ही रही हैं, यू कैन सी। एंड यहाँ मैंने अपने सारे प्लांट्स को इधर ले आ करके जो यहाँ पर इस साइड में थे जहाँ पे कि पानी नहीं आ सकता था, तो कुछ कुछ मैंने जैसे गेंदा नहीं कनेल का पेड़ था और भी एक तगड़ वगड़ का था, तो वो ना मैंने सारा कुछ इधर रख दिया, तो अब उसमें भी अच्छे से पानी मिल गया है एंड बहुत ही अच्छा लुक है। मतलब ओ माय गॉड आई लव गार्डनिंग यार, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना गार्डनिंग कि मैं क्या बताऊँ। एंड अब जो करना है ना नेक्स्ट, वो हमें करना है रेस्ट एंड एक वीडियो की एडिटिंग। पता है देखो ना इतना ज़्यादा वीडियो की एडिटिंग करते करते कि थोड़े से मुझे डार्क सर्कल्स भी स्टार्ट हो गए हैं। लेट नाइट शूट तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, रात में शूट तो कभी नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा बैठ जाती हूँ यार। रात में ना मैं शूट तो कभी नहीं करती हूँ, नेवर एवर, मुझे पता नहीं पसंद नहीं किया, प्रीफर नहीं करती हूँ, आई डोंट नो, बट मैं रात में कभी भी नहीं करती हूँ।
दिन में करती हूँ शूट, बट एडिटिंग रात में हो जाती है। अक्सर ही रात लेट नाइट एडिट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियो सुबह 6:30 जाती है, तो इस वजह से मुझे एट एनी कॉस्ट नाइट में एडिट करके वीडियो को अपलोड करना होता है। दैट्स वाई ना अब ज़्यादा ही मुझे थोड़ा सा दिक्कत एज आई थिंक कि मैं फेस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। सो कोई बात नहीं, चलता रहता है, ये सब चीज़ें लाइफ में तो होंगी ही ना, एंड और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक उसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो चलो फिलहाल मैं आप थोड़ा सा कर लेती हूँ रेस्ट, एंड आफ्टर दैट मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं ना सो करके उठ चुकी हूँ, एंड देखो अभी ना फेस थोड़ा अजीब सा हो रखा है, एक मिनट। हाँ तो फिर ना फेस भी थोड़ा सा अजीब सा हो रखा है, और एक्चुअली मैं कपड़े धुलने थे जो कि धुल चुके हैं, मुझे इनको फैलाना था, बारिश हो रही थी इस वजह से मैं नहीं फैला पाई। देखो दरवाज़ा खोल दिया ना मैंने, कितनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करने लगी है अभी, देखो यही डिफरेंस होता है मेरे किचन के वीडियोस में। देखो दरवाज़ा खुला तो कितना मतलब उलझन सी होती है देखने में, दरवाज़ा बंद होते ही देखो, तो यही डीजल होता है मेरे वीडियोस में कभी कभी। तो कोई बात नहीं, चलो मैं कपड़े फैला के मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, और बताया ही आप लोगों को कितनी बार मैं अपने व्लॉगिंग वाले वीडियो में वेदर को ऐड करती हूँ यार, कितनी बारी ना मैं इसको मेंशन करती हूँ। एक्चुअली में मुझे खुद भी नहीं पता, मैं हैंगर लेने चली गई थी क्योंकि जगह कम है एंड कपड़े ज़्यादा हैं, मैं छत पर अभी जाना नहीं चाहती थी ऊपर टेरेस पे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि जब बारिश का भरोसा नहीं है ना कि बारिश कब हो जाए, तो अच्छा होता है कि हम घर में ही मतलब जहाँ भी पॉसिबल हो पानी वानी ना आए। तो ये बालकनी के अंदर है ना ये जो डारा मैंने बना रखा है, तो यहाँ पर ना पानी नहीं आता है, ऐसा पानी का कोई भी दिक्कत नहीं होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है तो ही आता है। देखो पूरे प्लांट्स को मैंने कैसे आगे रख दिया है, सच्ची में बहुत अच्छा वाला लुक एंड व्यू मिलता है हमारी इस बालकनी में, आई लव दिस यार। एंड बहुत जल्दी आप लोगों को अपनी बालकनी का एक छोटा सा कॉर्नर दिखाने वाली हूँ, बस कुछ दिन वेट कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट शो यू। बहुत ही अमेजिंग से एंड बहुत ही प्यारी सी वो चीज़ है, जगह है जो कि ना मैं दिखाऊँगी। तो चलो अब थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ आप लोग इस वीडियो को इन्जॉय कर लीजिए। चीज़ों को म्यूट किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू नो कि अगर मैं कुछ भी पढ़ रही हूँ स्टडी लाइक, तो उस पर अगर मैंने यूट्यूब ओपन किया है तो मैं एक सेफ कॉर्नर लेकर के चलना चाहती हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैंने बहुत सारी चीज़ों को कट कट करके दिखाया, बिकॉज यार भरोसा नहीं ना, अगर कुछ भी मिस्टेक हो गया तो आई डोंट वॉन्ट दैट, ठीक है ना। तो बस और अब ना मैं आ गई हूँ
अगेन किचन में। पता है काम तो सारे हो गए मेरे, आप लोग को दिखाया ही, ज्यादा कुछ काम बचा भी नहीं था। जो भी था भी थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा सा स्टडी वगैरह भी हो गई है। आप थोड़े से बर्तन रखे हैं, ज्यादा नहीं, दो थाली कटोरा है तो उसको भी मुझे धुलना है। एंड बाहर का ना वेदर दिखाऊं तो यार बहुत ही प्यारा वाला वेदर है। मतलब सोचा ना बारिश हो रही है लेकिन फिर भी ऐसी कांच की वाली ठंडक नहीं हो रही है, तो इससे अच्छा मौसम और क्या चाहिए। रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एंड ये देखो बारिश हो रही है धीरे धीरे से, मतलब हैवी रेन हो चुका है एंड धीरे धीरे बारिश हो रही है। मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा कैमरा जूम करके आई जस्ट ट्राई टू शो यू समथिंग गाइस। रुको यस, अरे जूम करने के चक्कर में तो चला गया रे। ये देखो कितने सारे यहाँ इस पेड़ पर ना कोकोनट लगे हुए हैं। हाँ तो ये है इतना प्यारा सा वेदर। एंड मैं ना सिर्फ अभी प्यारे से एकदम मान के लूँ कि रोमांटिक सा मौसम है ये। एंड मैं अभी वेट कर रही हूँ हबी का। सो मैं ना अभी हबी का वेट कर रही हूँ। और हाँ यार इतना अच्छा सा मौसम, पता है जब मौसम अच्छा होता है तो मुझे घर में अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट कि विकी भी साथ में हो। एंड ऑल्सो मैं क्या बोल रही थी, वो हाँ वो देखो मिर्चा वहाँ चेयर पे रखा हुआ है, पता सुखाने का कोशिश कर रही बट वो सूख ही नहीं पा रहा है। तो बारिश ही हो रही है, धूप निकल ही रही है यार। फेस देखो कितना अच्छे से नहीं मेरा वो हाईलाइट हो रहा है, मतलब मैंने बहुत ही अच्छा सा, मतलब एक हाईलाइटर मैंने ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा ये वर्क कर रहा है। कुछ भी अगर नहीं मेकअप करो थोड़ा सा हाईलाइटर ब्लश कर लो फेस,